कोरोना वायरस जो इस समय जिसके चलते आज ग्वालियर फिर से रेड जोन में आ चुका है, तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए प्रशासन को जिससे कि रेड जोन से निकल सके और फिर से आगामी ग्वालियर ग्रीन जोन में आ सके। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बड़ी दुखद सूचना है कि हमारा ग्वालियर फिर से रेड जोन में आया है। रेड जोन में आने के साथ हमारी जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं और उनको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आसपास ग्वालियर के आसपास की जो सीमा है उन पर हमारे जो चेक पॉइंट बनाए हैं उन पर हम थोड़ा सख्ती बरतेंगे। हर इंसान की स्क्रीनिंग करेंगे जो बाहर से आए लोग हैं या अन्य रेड जोन से जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर सैंपलिंग कराई जाएगी। साथ ही जो लोग रेड जोन के अंदर हैं उनको प्रॉपर बताया जाएगा कि आपको कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है और इस संक्रमण को फैलने से रोकना है, क्योंकि यह एक कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब संक्रामक डिसीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो ये एक पूरी चैन होती है। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि आम इंसान को पता ही नहीं चलता है कि इसमें संक्रमण। अगर कोई मरीज, एक शब्द आप सुन रहे होंगे एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक मतलब ऐसा इंसान जिसके अंदर संक्रमण है बगैर उसमें लक्षण नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए अपन को ये बताना है कि उनमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है और दूर दूर रहना है लोगों को जिससे संक्रमण ना फैले। यही इसकी चैन है और इसी को अपन को ब्रेक करना है। जिस दिन हम इस चैन को ब्रेक कर देंगे हम इस कोरोना वायरस पे विजय हासिल प्राप्त कर लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके के उपाय आजमाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके सघन निगरानी आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा की जा रही है जिसमें कई लोग शामिल हैं, कृपया उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो अवेयरनेस की। जो मल्टीमीडिया साधन होते हैं वो उनके पास नहीं रहते, उनको पता नहीं आज भी कि कोरोना वायरस क्या है। तो अपना पहला ध्यान ये रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहर से जो मजदूर माइग्रेट होकर आ रहे हैं, जो गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं रेड अलर्ट से, तो उन पर हमारा विशेष फोकस रहता है। हमारी पूरी टीम है जो बताती है कि इस संबंधित गांव में बाहर से व्यक्ति आए हैं, तो हम उनको ही लक्षण देखते हैं अपनी स्वास्थ्य टीम से कि उनमें कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं और उनको अपन जिला चिकित्सालय या जीआरओ अस्पताल भेजकर उनकी सैंपलिंग कराते हैं और उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन करके उस चीज़ों को नियंत्रण पाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे ग्वालियर वासियों के लिए शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो कोरोना वायरस से किस तरीके निपट सकते हैं? और सैनिटाइजर, अगर शासकीय सैनिटाइजर या मेडिकल स्टोर पर सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो क्या वो सैनिटाइजर घर पर किसी तरीके से बना सकते हैं? अपनी दिनचर्या में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं? जैसे कहा जा रहा है गर्म पानी वगैरह पीना चाहिए, इससे क्या 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 एहतियात बरतनी चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बस यही एक निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि आप लोग सबसे पहले तो जो आपके माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आपको सबसे पहले घर पर रहना है। दूसरी बात, आपको अगर सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है, सैनिटाइज़र उन लोगों के लिए होता है जहां पर हाथ धोने की सुविधा नहीं है। आप एक सिंपल साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, साबुन से आप हाथ धोएंगे तो भी आपके सारे बैक्टीरिया वायरस आपके हाथ से चले जाते हैं। दूसरा, अगर आपके पास मास्क नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि मास्क और सैनिटाइज़र होना जरूरी। घर पर जो आप गमछा पहनते हैं उसको भी आप पहन सकते हैं, उसको गर्म पानी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन उसको उबालेंगे, सुखाएंगे तो सारे बैक्टीरिया चले जाएंगे। हमको बस इसकी चैन तोड़नी है, कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से संक्रमण दूसरे में ना फैले। इस पर अगर हमें विजय हासिल कर ली तो कोरोना को भी अपन हरा देंगे, आज नहीं तो कल।